गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही पहचाना, किसकी आवाज़ थी? मुर्गे की। आप जानते हैं, जब पुराने समय में घड़ियां नहीं होती थी तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग मुर्गा ही किया करता था। लोग उसी की आवाज़ से उठा करते थे और गुड मॉर्निंग का सिंबल होता है मुर्गा। तो इस तरह से आइए आज हम मुर्गा ड्रॉ करते हैं, यानी कि कॉक। तो आइए बच्चों, अब हम कॉक ड्रॉ करते हैं। कॉक के लिए सबसे बिल्कुल इजी और सिंपल स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी। देखिए, इस तरह से एस फॉर्म कर लेंगे। ये एस फॉर्म हो गया और यहां से यू करते हुए ये यू कर लिया। यहां इसके बीक बना दी और बीक के लिए इस तरह से और फिर इस तरह से। अब हम इसके सिर पर इस तरह से ये और यहाँ नीचे ये और यहाँ इसकी नेक के पास भी इस तरह से ये होता है। और अब इस तरह से यहाँ इसके बीच के पंख बनाएंगे और ये जो है इसको थोड़ा शॉर्ट करके इस तरह से ये किया और यहाँ से इसको भी ये कर दिया और फिर यहाँ से यू और ये यू और फिर इसी के साथ यू और इसको भी इससे मिला दिया यू। ये इसके बन गए पंख और अब इधर ये ब्यूटीफुल इसकी आई बन गई, जो सर्कल में सर्कल इस तरह से। और अब हम इसके पैर बनाएंगे। ये देखिए, पैर के बीच में जो ये लाइन है इसे हम रब कर देंगे और यहाँ से हम यूं करते हुए और ये यूं करते हुए इसको यूं और दूसरा पैर यहाँ से यूं निकाला और यूं करते हुए यूं और इसको यूं। ये इसके दोनों पैर बन गए और यहाँ पैरों में थोड़ा थोड़ा इसके पैरों में जो फरी नेस जो होती है वो ये इस तरह से कर देंगे। और अब इसके बाद हम यहाँ सन ड्रॉ करेंगे और अब इधर हम सन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि गुड मॉर्निंग का सिंबल होता है मुर्गा। तो इसीलिए हम यहाँ ये सन ड्रॉ करेंगे और इस तरह से हम सन ड्रॉ करते हुए और यहाँ कुछ क्लाउड्स भी ड्रॉ कर सकते हैं बैक में ये और कुछ इस तरह से पक्षियों को भी बता सकते हैं। और अब यहाँ नीचे और नीचे की तरफ हम इस तरह से ग्रीन ग्राउंड और कुछ ग्रास बना सकते हैं। तो ये इस तरह से हो जाएगा यहाँ यू ये सब इस तरह से ग्रीन ग्राउंड में खड़ा हुआ है। और अब ऊपर की तरफ हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से और इस लाइन पर भी हम कुछ बुशेस बना देंगे जो पीछे की बैकग्राउंड को दिखाएगी। और इस तरह से ये पूरा कंप्लीट करेंगे हम और फिर इसे अपनी ड्राइंग फाइल में या स्केच पेन में अच्छे से ड्रॉ करेंगे और फिर उसमें कलर फिल करेंगे आउटलाइन करके। तो आइए मेरे साथ और इस तरह से ये ड्रॉ करके आप इस पर स्केच पेन से ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइन करेंगे और इस तरह से ये पंखों को कंप्लीट करते हुए आप पूरा अच्छे से ड्रॉ करेंगे और इस तरह से ये आउटलाइन करते हुए और हम इसे ब्यूटीफुली तैयार करेंगे। और इस तरह से हमने इस पूरे कॉक में ब्यूटीफुली आउटलाइन कर ली है और अब इसमें हम कलर फिल करना शुरू करते हैं।
और इस तरह से आप कलर करना शुरू करते हैं। जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं ये रेड, ये सारे रेड होंगे, ये रेड होगा, ये रेड होगा, तो इस तरह से हम कलर करना स्टार्ट करते हैं रेड कलर। और रेड कलर करने से पहले अगर हम चाहते हैं कि हमारी ड्राइंग और भी ब्राइट और अच्छी हो, तो थोड़ा थोड़ा रेड स्केच पेन से हम इस तरह से शेडिंग कर सकते हैं, और ये शेडिंग करके इस तरह से हम इसको कलर मिक्स करके और इसमें रेड कलर फिल कर सकते हैं। ऊपर भी हम ऐसा ही करेंगे, ऊपर भी हम ये रेड कलर से शेडिंग करते हुए और फिर कलर से हम इसको मिक्स कर देंगे। मैं अभी बताती हूँ किस तरह से आपको कलर से ये इस तरह से कलर से मिक्स कर देना है, ये इस तरह से और नीचे से भी, तो इससे ये थोड़ा ब्राइट लगेगा। ये सब तरफ ऐसे ही करना है, इधर भी ऐसे ही इस तरह से रेड से मिक्स करते हुए स्केच पेन की शेडिंग के साथ कलर की शेडिंग को मिक्स करना। और बीक में हम ब्राउन कलर से स्केच पेन से हल्का सा शेड करते हुए इस तरह से, और फिर ब्राउन कलर की कलर से हम इसको शेड कर देंगे इस तरह से, तो ये हमारा एक ब्राइटनेस भी आ जाएगी और दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। ये इसकी बीक हो गई है। और इसी तरह ब्राउन कलर में से इसके पंखों में भी हल्का सा शेड करते हुए और फिर हम ब्राउन कलर से इसको मिक्स करते हुए पूरे में ब्राउन कर देंगे ये बीच वाले पंख में। और बच्चों अब हम ये ब्लू कलर इसकी बॉडी के बीच वाले फेदर के बाहर की साइड का जो पोर्शन है उसमें हम ब्लू कलर करेंगे पूरा। ये इस तरह से हम ये पंखों में कलर करना शुरू करेंगे। पंख बड़े रंग बिरंगे भी होते हैं कॉक के, तो अब देखिए ये कहीं येलो कहीं ग्रीन, और इस तरह से करते हुए हम ये पंख बनाएंगे। यहाँ हम थोड़ा सा ग्रीन का टच दे देते हैं और इस तरह से सारे पंख थोड़े रंग बिरंगे से बना देंगे और मिक्स करते जाएंगे उसको साथ साथ ताकि ये ब्यूटीफुल लगे। और इस तरह से हमने इसके पंखों में येलो रेड एंड ग्रीन मिक्स करते हुए कलरफुल बना दिया है। और अब हम सन के अंदर येलो कलर फिल करेंगे। अब हम क्लाउड्स में ब्लू कलर फिल करते हुए थोड़ा ये क्लाउड्स के अंदर डार्क और बाकी एरिया में हम बिल्कुल लाइट लाइट ब्लू करेंगे। और सन के चारों तरफ हम लाइट येलो ही करेंगे ताकि उसकी रेज दिखेंगी हमें। और इस तरह से ये पूरा, और इस तरह से अब ग्रीन कलर हम ये करेंगे ग्रीन कलर, और इसको लाइट लाइट ग्रीन करते हुए ऊपर हम येलो की शेडिंग करेंगे और थोड़ा डार्क भी टच करेंगे, डार्क ग्रीन भी हम कहीं कहीं टच करेंगे। और इस तरह से हम ये येलो और इस तरह से पीछे का बैकग्राउंड और ये ग्रीन डार्क ग्रीन कलर भी हम थोड़ा थोड़ा देंगे जिससे हमारी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी इस तरह से। और अब ये बची हुई जो ग्राउंड है उस पर हम ब्राउन कलर से हल्का हल्का ब्राउन कलर करते हुए ये इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। और इसकी आईज़ में, आई के अंदर अब जो बीच वाला सर्कल है उसको छोड़ते हुए हम ये पूरे में कलर कर देंगे स्केच पेन से। ये इसकी आई बन गई, ब्यूटीफुल आई, और इस तरह से ये अब कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट ड्राइंग बन चुकी है। और इसी तरह आपको ये ड्राइंग अपनी ड्राइंग फाइल में ब्यूटीफुली ड्रॉ करके आउटलाइन करके कलरिंग करनी है और बहुत अच्छे से करना है। थैंक यू।